और यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाना, मरना और जी उठने का जो समय काल है वो 3.5 साल का गैपिंग है। और ये 3.5 साल के गैपिंग को खत्म करके 40 रोजों में उसको ले आए। 40 रोजों में यीशु 40 रोजे भी रखे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा भी दिया, यीशु मसीह को दफन भी कर दिया और यीशु मसीह को जिंदा भी कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं लेंट्स डे के बारे में, अर्थात उपवास के बारे में, 40 रोजों के बारे में, दुख भोग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने पहला भाग जो था इसका देखा था, और उस पहले भाग में जो था कि 4 चीजें बताई गई थी, ऐश वेडनेसडे, पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर। इनको जानने से पहले हमने ये सीखा था कि ईस्टर की डेट जो है इन सारे विषयों पर आधारित है। जब आप ईस्टर की डेट निकाल लेते हैं तो एश वेडनेसडे की डेट, पाम संडे की डेट और गुड फ्राइडे की डेट आप आराम से फिक्स कर सकते हैं। तो ईस्टर की डेट कैसे निकाली गई थी इसके बारे में हमने सीखा था। अब हम आज सीखेंगे एश वेडनेसडे क्या है। एश वेडनेसडे के बारे में जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर से बता रहा हूं कि एश वेडनेसडे के बारे में लोग नहीं जानते कि वो क्या है। बस इतना जानते हैं कि एश वेडनेसडे यानी राख बुध जो है वो इस दिन से जो है लेंट्स डे या दुख भोग के दिन या 40 रोजों का आरंभ होता है। जी हां, 40 रोजों का जो है वो आरंभ होता है। अब ये पता नहीं ये एश वेडनेसडे से ही रोजे क्यों शुरू होते हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। बाइबल के अंदर जो है ये बात नहीं पाई जाती। बाइबल में एश वेडनेसडे का कोई सिद्धांत नहीं है और ना ही एश वेडनेसडे के बारे में कोई जानकारी परमेश्वर के वचन में दी गई है। हाँ, राख के बारे में अगर आप कहें तो राख के बारे में परमेश्वर के वचन में जानकारी दी गई है और राख के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जब हम एश वेडनेसडे को 2 भागों में बांटते हैं यानी राख और बुध, तो राख को हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि उनका राख का क्या अर्थ है। परंतु बुध के बारे में अगर हम देखेंगे तो बुध के बारे में इतिहास है। महात्मा जो गौतम बुद्ध हुए हैं उनके नाम पर भी बुध जो है वो पड़ा और काफी सम्मान जो है उस दिन को दिया जाता है। और जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो रोमन सम्राट भी बुध के बारे में इतिहास मिलता है। परंतु पहले हम राख के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, फिर हम बुध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी हां, सबसे पहले उत्पत्ति 18 अध्याय उसके 27 पद में लिखा हुआ है। देखिए, राख के बारे में जो आज हम राख अपने सर के ऊपर लेते हैं वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं परमेश्वर के वचन से आपको पढ़ाता रहूंगा और समझाता रहूंगा। जी हां, उत्पत्ति 18:27 में है, फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी हूं और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की है कि तुझसे बातें करूं। अब यहां पर मिट्टी और राख का मतलब जो है अब्राहम जो कह रहा है परमेश्वर से कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और ये बात जो है गलतियों 2 अध्याय उसका 20 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैंने पूरा पद नहीं पढ़ा है, मेन चीज पढ़ी है। अब पौलुस क्या कह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। ध्यान दीजिएगा, पौलुस कहता मैं कुछ नहीं रहा, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं रहा, परंतु अब मसीह का अस्तित्व जो है मुझ में आ गया, मसीह मुझ में जीवित हो गया। मगर ध्यान करें, जब मसीह हम में जीवित हो जाता है तब हम कुछ हो जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। परंतु अगर हम राख ले लेते हैं तो हम कुछ होते ही नहीं है, परंतु जब हम नए नियम में मसीह में आ जाते हैं तो हम मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारे अंदर से सारी पुरानी बातें खत्म होके नई बातें अर्थात यीशु मसीह दिखाई देने लगता है, उसका स्वभाव दिखाई देने लगता है। हम यीशु मसीह की नई सृष्टि के रूप में जाने जाते हैं। इसका मतलब हम कुछ हैं, मगर यहां तो यह है अगर आपने राख ले ली तो आप कुछ भी नहीं है।
मगर जिन्होंने मसीह को पहन लिया, जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया, जो मसीह में आ गए वो मसीह के लिए एक नई सृष्टि हो जाते हैं। दूसरा है राख जो है पश्चाताप का प्रतीक भी है। अय्यूब 42 अध्याय और उसका 6 पद में लिखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वो कहता है मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। पश्चाताप के लिए आप मती 11 का 21 और योना 3 का 6 भी आप जो हैं पढ़ सकते हैं। जी हां, अब यहां पर जो है पश्चाताप के बारे में अय्यूब कह रहा है। अब वो राख पर बैठकर या राख अपने ऊपर लेकर पुराने समय में लोग क्या करते थे, पश्चाताप करते थे, परंतु आज ये पश्चाताप की क्रिया को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। कैसे? पहले योना की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। जी हां, यीशु मसीह जंगल में 40 जो रोजे रखे हैं, 40 जो फास्टिंग उसने करी है जंगल में, 40 दिन 40 रात तक जो वो मारा फिरता रहा, वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करता रहा। उसने क्रूस पर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, परंतु अब अगर हमारा वो प्रायश्चित, हमारे वो पाप खत्म नहीं होते हैं, तो हमने प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करा, हमने उसको व्यर्थ ठहरा दिया। अब हमें क्या करना है? अब अगर हम हमारे अंदर फिर भी पाप दिखाई देता है या हम फिर भी पाप करते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से मन फिराने की आवश्यकता है, परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है, उससे अपने पापों को लेकर वार्तालाप करने की आवश्यकता है। यशाया 1 और उसके 18 पद के अनुसार, और उससे जो है क्षमा मांगना है हृदय से, और क्षमा मांगकर जो जब मांगते हैं संपूर्ण मन से, तो प्रभु जो है हमारे पाप कैसे भी क्यों ना हो वह हमारे पापों को क्षमा करता है, चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गवनी रंग के, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। फिर है राख जो है वो शोक को भी प्रकट करता है और भ्रष्ट होने को भी प्रकट करता है। दूसरा सैमुअल 13 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, तब तमार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। यहां पर क्या था, यहां पर अमनोन जो था वो दाऊद का बेटा था, और ये जो थी ये भी दाऊद की बेटी थी, परंतु ये दूसरी पत्नियों से थे। अमनोन जो था वो तमार बहुत सुंदर थी और वो उसकी सुंदरता पर बहुत मोहित था और उसको पाना चाहता था, इसलिए उसने बीमारी का बहाना बनाया। और जब दाऊद गया तो उसने कहा मेरी बहन मुझे खाना खिलाए तब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसने जो था तमार को यह आज्ञा दी। और जब तमार अकेले, उसने सबको हटा दिया और तमार को अकेले में बुलाया, और जब तमार गई तो उसके साथ जबरदस्ती करके उसको भ्रष्ट कर दिया। और इसलिए तमार जब भ्रष्ट हो गई तो उसने अपने सर के ऊपर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती जो थी वो फाड़ी और चिल्लाती हुई वहां से अपने सर पे हाथ रख के भागी। और वो किस बात को दर्शाता है कि वो भ्रष्ट हो गई है और वो जो है बहुत शोकित है, उसे बहुत दुख है, क्योंकि उसको जो है अमनोन ने जो है वो भ्रष्ट कर दिया है। अब यहां पर भजन संहिता 14 उसके 3 पद में क्या लिखा है, वे सबके सब भटक गए, वे सबके सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। आप इसके बारे में रोमियो 3 और 10 से 12 पद तक भी पढ़ सकते हैं, यानी परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग सब भी भ्रष्ट हो गए। हम लोग भ्रष्ट होने का मतलब अशुद्ध हो गए, हमारे अंदर अशुद्धता भर गई, हम भ्रष्ट हो गए और परमेश्वर से बहुत दूर हो गए। और मगर यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए मैं पूरा पद नहीं पढ़ रहा हूं, परंतु मैं आपको मेन चीज जो है उन पदों की दूंगा। पहला योहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसका 7 पद और 9 पद में क्या लिखा हुआ है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 9 पद में है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। हम जो भ्रष्ट हो गए थे, हमारा जो भ्रष्ट यानी अशुद्धता जो है, यीशु मसीह जो है वो उसके लहू से हम शुद्ध होते हैं। लिखा है ना कि यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है, हमें फिर से पवित्र बनाता है, हम फिर से यीशु मसीह में पवित्र हो जाते हैं। परंतु यदि हमने अपने ऊपर राख डाल ली
तो इसका मतलब क्या है कि हम भ्रष्ट हो चुके हैं और हमारे इस भ्रष्ट को, हमारे इस अशुद्धता को कोई खत्म नहीं कर सकता है। परंतु जब हम अपने ऊपर यीशु का लहू ले लेते हैं तो हम इस बात को कह सकते हैं कि अब हम जो हैं उस भ्रष्टता से दूर हो गए, उस अशुद्धता से दूर हो गए, क्योंकि यीशु का लहू हमारे ऊपर है। अब आप बताइए, आप राख अपने ऊपर लेंगे या माथे पर लेंगे या यीशु का लहू लेंगे? क्योंकि राख आपको भ्रष्ट ही बनाए रखेगा, अशुद्ध ही बनाए रखेगा, पवित्र नहीं करेगा। परंतु यदि यीशु का लहू लेंगे तो वो हमें शुद्ध बनाएगा और पवित्र बनाएगा, राख से नहीं, यीशु के लहू से। फैसला आपके हाथ में है। चौथा है यहां पर, अपने आप को दीन करना। जी हां, यहां डैनियल 9 का 3 पद पढ़ रहा हूं। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। जी हां, ये उपवास जो है ये करके डैनियल जो है राख में बैठकर, राख में बैठने का मतलब अपने आप को दीन बनाना, नम्र बनाना कि वो कुछ भी नहीं है। जबकि डैनियल इतना बड़ा भविष्यवक्ता था और परमेश्वर ने उसके जीवन से बहुत आश्चर्य कर्म करे, शेरों की मंद से उसे निकाला, वो गुलाम बन के गया मगर प्रधानमंत्री बनाया गुलामी देश में, मगर उसने अपने आप को दीन किया। आज के जो भविष्यवक्ता है, आज के जो सेवक है, वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वो अपने आप को इतना ग्रेट समझते हैं, इतना पवित्र, इतना महान समझते हैं कि अगर सही माने में देखा जाए तो उनके आगे यीशु मसीह भी कुछ नहीं है। डैनियल और एज़ेकेल और दूसरे भविष्यवक्ताओं की तो बात छोड़ दीजिए, मगर यहां जो है दीन बनना, यीशु मसीह भी कहता है ना कि जो दीन बनता है स्वर्ग का राज उसी का है, परमेश्वर का वचन कहता है। और यहां पर जो है हमें दीन बनने की आवश्यकता है। यहां पर याकूब 4 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वे तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, यानी और महान बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनना है, मगर हम दीन बनते नहीं, हम अपने घमंड में, अपनी चीजों में जो है अपने आप को ऊंचा उठाए रखते हैं। और यही कारण है कि हमें अब राख में बैठने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने ऊपर राख डालने की आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को ले जाकर परमेश्वर के समक्ष अपने आप को दीन बनाने की आवश्यकता है, ताकि हम जो है प्रभु यीशु मसीह में शिरोमणि बनाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर से राख दूर कर दी है। चलिए इस पद को भी पढ़ लेते हैं, यशाया 61 उसके 3 पद में लिखा हुआ है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पकड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। अब यहां क्या, यह भविष्यवाणी जो है यीशु मसीह में पूरी होती है। जी हाँ, और यीशु मसीह ने क्या करा, यीशु मसीह के द्वारा हमारे सर के ऊपर की वो राख जो थी, वो जो हम अशुद्धता थे, वो यीशु मसीह ने उस राख को दूर करके सुंदर पगड़ी, हर्ष का तेल यानी पवित्र आत्मा से भरा है, है? और हमें आनंद और महिमा परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। अब हमें राख डालने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। मैं आपको पढ़ देना चाहता हूं इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय है। जी हाँ, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 13-14 पद है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। जी हाँ, अब हमें राख डालकर अपने आप को पवित्र करने की जरूरत नहीं, जैसे पुराने समय में इसराइली करते थे, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा अब हम शुद्ध होते हैं, यीशु के लहू के द्वारा जो है हम पवित्र किए जाते हैं। तो इसलिए ये समझ लें कि जो राख है उसका अर्थ क्या, ऐश वेनसडे, ऐश का तो हमने अर्थ समझ लिया, अब वेनसडे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। वेनसडे के बारे में जो है कोई खास बात जो है पूरे इतिहास में नहीं है, परंतु कॉन्स्टेंटाइन जो रोमन सम्राट था 313 में जब वो मसीह बन गया, तो यहां पर जो है रोमन सम्राट, मैंने पहले भी कहा कि वो ये नहीं है कि वो मसीह बनने का मतलब कि उसने मसीह की सच्चाइयों को अपना लिया। रोमन सम्राट के अंदर जो था, सॉरी रोम के अंदर जो था, बहुत से देवी देवताओं की आराधना और पूजा की जाती थी,
जब कॉन्स्टेंटाइन 313 में मसीह बन गया तो उसने मूर्ति पूजा बंद नहीं करी, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू किसी भी मूर्ति की पूजा ना करना। उसने संतों की मूर्ति बना ली, उसने मरियम की मूर्ति बना ली, उसने यीशु मसीह की मूर्ति को बनाकर उसकी आराधना करने लगा। और ये जो बात है ये गलत शिक्षा पर आधारित है और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये नहीं होनी चाहिए। जब मूर्ति बना ली, पहले जो था रोम के अंदर बुध यानी मर्क्यूरी, मर्क्यूरी देवता हुआ करता था, मर्क्यूरी देवता जो था रोम के अंदर जो था एक बहुत बड़ा देवता माना जाता था। जी हाँ, और ये देवता जो था संदेशवाहक देवता के नाम से प्रचलित था, यानी संदेशवाहक देवता के नाम से जो था ये जाना जाता था। मर्क्यूरी को बुध भी कहा जाता है। जी हाँ, इसको मैसेंजर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, यानी ये मैसेंजर ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता था। और ये जो है ये देवता बुध ग्रह पर भी आधारित था, लोग बुध ग्रह को भी जो थे वो देवता मानते थे। और बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, सुबह और शाम जो है वो चमकता है, उसे मॉर्निंग स्टार भी जो है वो कहा जाता है। और इसलिए परंतु इतिहास में रोमन देवता मर्क्यूरी बुध देवता का संबंध जो है वो राख से कहीं से कहीं तक नहीं है। अब ये कैसे जोड़ा गया है, कैसे जोड़कर ऐश वेडनेसडे बनाया गया है, ये गाथा जो है ना तो परमेश्वर के वचन में है और ना इतिहास में देखने को मिलती है। परंतु लोगों ने जो है अपने नियमों के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उस परमेश्वर की वर्शिप का एक ट्रेडिशन बना लिया है जो गलत है और गलत शिक्षा पर आधारित है। और ये जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ कहता है 40 रोजों का जो ऐश वेडनेसडे है, 40 रोजे ऐश वेडनेसडे से शुरू तो होते हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु ये 40 रोजे 46 दिन में पूरे होते हैं। जबकि आप जब मती 4:1-2, मरकुस 1:9-13, लूका 3:21-22 और लूका 4:1-2 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने 27 एडी में बत्तीसवां लिया और बत्तीसवां लेकर तुरंत वो आत्मा उसे जंगल में ले गया और 40 दिन 40 रात लगातार वो निराहार यानी उपवास में रहा। वहां पर शैतान से उसकी परीक्षा हुई और उसके बाद 40 दिन के बाद जब परीक्षा हुई, परीक्षा में वो विजय हुआ, जब वो वहां से आया तो उसने 3.5 साल मिनिस्ट्री करी और रोजे रखने के 3.5 साल के बाद अर्थात 31 एडी में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। अब बताइए 40 रोजे जो उसने रखे 27 एडी में और 3.5 साल के बाद यीशु मसीह को 31 एडी में सूली पे चढ़ाया। अब वो 27 एडी में जो रोजे रखे थे वो 3.5 साल के बाद यहां क्रूस पर आकर कैसे एक हो गए, ये मेरी समझ में नहीं आया। परमेश्वर के वचन में कहीं से कहीं तक यानी रोजों का और यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाना, मरना और जी उठने का जो समय काल है वो 3.5 साल का गैपिंग है। और ये 3.5 साल के गैपिंग को खत्म करके 40 रोजों में उसको लिया है, 40 रोजों में यीशु 40 रोजे भी रखे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा भी दिया, यीशु मसीह को दफन भी कर दिया और यीशु मसीह को जिंदा भी कर दिया। परमेश्वर के वचन को मतलब परमेश्वर के वचन की धज्जियां उड़ा के रख दी, कहां से आया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, सांप की तरह चतुर और कबूतर की नाई भोले बने रहो। सही में सांप की तरह चतुर बनना है कि कहीं शैतान हमें बहका तो नहीं रहा है, कहीं शैतान हमें गलत शिक्षा के जाल में फांस कर हमें परमेश्वर से दूर तो नहीं ले जा रहा है। अगर ऐसा है तो हम चौकन्ने हो जाएं, सावधान हो जाएं और उस जाल में से निकाले अपने आप को, उस जाल में अपने आप को फंसने ना दें और परमेश्वर की सही शिक्षा में बने जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।